MQM में बगावत नई बात नहीं। मुत्तहिदा कायद से पहला बड़ा इख्तलाफ 1992 में हुआ। दूसरी बगावत नवाज हुकूमत का तख्ता उलटने से कुछ पहले हुई। MQM कायद से पॉलिसियों पर इख्तलाफ वजह बनी। मैं अगस्त 99 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 12 को तख्ता उल्टा गया था, ये उससे पहले का वाकया है, जब आप लोगों ने MQM से इस्तीफा दिया था उससे पहले का वाकया। हमने तो उसमें बहुत क्लियरली कहा था कि हम अल्ताफ भाई को अपने अपना फादर तस्लीम करते हैं, रूहानी उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी। हाँ, उनकी पाकिस्तान के हवाले से वो उनकी पॉलिसी थी, उस पर हमने एतराज किया था। पार्टी से तनख्वाहें लेने के मामले पर नदीम नुसरत ने कहा, तनख्वाहें नहीं एजाजिया लेते हैं। मैं किराए के घर में रहता हूँ, इसको हम सैलरी नहीं कहते, ऑनरेरियम कहते हैं, जितने आवर्स यहाँ दिए जाते हैं। लेकिन पैसे मिलते हैं आप लोगों को? मिनिमम लोग अपनी जिंदगियाँ वक्फ कर दी हैं। नदीम नुसरत ने फौज से राबिते की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मामला सेंसिटिव है, हसास नौइयत की चीजें हैं, तो मुनासिब भी होगा कि हमें मुलाकात का CUS से रिक्वेस्ट की थी वक्त ने, या कोई जरिया बनाए, कोई ब्रिज बनाए। मुत्तहिदा के कन्वीनर ने मुस्तफा कमाल की सियासत को झूठ पर मबनी करार दिया।